वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असी इस टाइम पिंड दे नगर सुल्तानपुर बदरामा दे आगू पंचायत समेत पिंड दे मोतबर बंदे खड़े हाँ। असी पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान नूं अपील करनी चाहुंदे हाँ कि जिथे तुसी नौजवानों नूं रुजगार देण दीआं गल्लां करदे हो उत्थे साडे पिंड दे कुछ आगूआं थोड़ी पार्टी दे आगू MLA दे नाल रल के झूठे परचे दर्ज कराउंदे ने, पहलां हो चुके ने ते हुण साडे मौजूदा पंच मनप्रीत सिंह जिहड़े इह ने इन्हां दे खिलाफ भी एक साजिश रची जा रही आ जिहड़ी कि सानूं पता लग्गिया भी इहदे खिलाफ परचा दर्ज हो रहा। गल इत्थे आ कि अफसर सारे इमानदारी नाल कम करदे ने, परंतु उन्हां दे राजसी दबाव इन्ना बनाया जा रहा कि वह किसी की गल दूजे की सुनने को तैयार ही नहीं। बस उन्होंने एको ही आ भी परचा देना तो देना, तुसी नौकरियां दिने हो ये इन्हों FIR के नंबर देंगे ने भी तेरी FIR का आ नंबर आ। इत्थे इन्हों का बेटा इन्हों दे भी जिहड़ा गुरमीत सिंह आगू है साडे पिंड का, ये उहदा भरा आपदे भतीजे दे भरा दे ते साडे ओह बेटा खड़ा 19-20 साल का बेटा इन्हों के खिलाफ परचा दर्ज कराया, जो कि असी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का जाके दरवाज़ा खड़काया, उत्थे सानूं बेटा इन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज कराया, जो कि असी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का जाके दरवाज़ा खड़काया, उत्थे सानूं इंसाफ मिलिया। इंसाफ यह मिलिया कि उत्थों FIR कैंसल करन दे ऑर्डर किए गए ते पुलिस नूं झटकां भी पाईआं गईआं। असी बेनती यह करते हैं कि जिहड़े स्थानक MLA डॉक्टर मुहम्मद जमील रहमान हैगे ने, हाँ जी, वो एक पासड कार्रवाई करते ने। असी ये कहने MLA साहब नूं भी पिंड आओ, पिंड आके तुसी दोवें धिरां दी सुनो असलीयत की आ। उन्हां नूं बस दो बंदे दिंदे, तीजा बंदे ही नहीं उन्हां नूं दिखदा कोई। कारण असल कारण की आ, असल कारण साडे पिंड दे विच इक नंबरदारी दा अहुदे दा चलदा भी नंबरदार नियुक्त होना, असल मुद्दा उहो आ। कहानी की है भी ये दो व्यक्तियां ने साडे पिंड दे एक होर नाल बंदे नूं ला के मनप्रीत दे खिलाफ ते पंचायत दे खिलाफ 7 तों 8 दरखास्तां दे चुके ने जो झूठियां साबित होकर दफ्तर दाखिल हो चुकियां ने। पुलिस इस गल दे संबंध च जदों असीं कोई आपदा पक्ष रखदे हाँ तां इक्को ही उहनां दा हुंदा भी सानूं MLA साहब दा प्रैशर आ, असीं कुछ नहीं कर सकते। हुण भी सानूं इही खदशा भी वह एक आने वाले 1-2 दिन साढ़े खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जा रहे हैं, भी असं बेनती करते हैं भी सानू इंसाफ दिता जाए। हाँ, जे कोई साढ़े च खामी आ कमी आसी सिर मत्थे मनने लिए प्रवान आ भी जो भी साढ़े होवे साढ़े पल्ले पाई जाए, पर साडे नौजवानों का भविख ना खराब कराया जाए। मैं यही संदीप पाठक जी को बेनती करूँगा क्योंकि वह बड़े सुचजे ढंग लीड कर रहे हैं पंजाब नूं, बड़ी नौजवानी पीढ़ी नूं नाल लैके चल रहे हैं। पर मैं बेनती करदा भी इत्थे भी साडे हलके दे विच गौर कीता जावे, सिर्फ 4 जां 5 बंदिआं नूं छड्ड के वधायक किसी की गल सुणन नूं कोई तैयार नहीं। साडे तखर पिंड तों एक लाल मुहम्मद लालू कहिंदे ने, जो कि सिर्फ तो सिर्फ करप्शन का ही उहदे कथित तौर ते दोष लगदे ने भी पैसे दो ते कम कराओ। बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्हां दी ओह सारी गल सुणदी आ, पुलिस भी सुणदी आ ते MLA भी सुणदे ने। साडे पिंड दे विच आ के उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर की आ, पंचायत दे कम्मां च भी इंटरफेयर की आ, पंचायत दे फैसलियां च कीते हुए फैसले भी रद्द कराउण दी कोशिश कीते गए ने, परंतु सच्चाई तां सच्चाई आ। ठीक है, हुण भी असीं बेनती करदे हां भी इन्हां ने जिहड़ी सरबजीत कौर तों दरखास्त दवाई आ बिल्कुल झूठी दरखास्त आ। उहदे संबंध च सानूं DSP कुलदीप सिंह मलेरकोटला ने बुलाया सी ते पंचायत समेत पतवंते सज्जन गए सी, जिथे उन्होंने अंदर गलबात DP साहब के होने तों बाद जदों उत्थों गर्मा गर्मी च मालविंदर सिंह NRI आ जिहड़ा ते गुरमीत सिंह ते उन्हां दी पत्नी सरबजीत कौर वह आए ते उन्होंने आके बाहर खड़े व्यक्तियों नूं जो लगभग 60 तों लैके 70 साल की उम्र के सीगे समेत साडे सरपंच बदतमीजी करन लगे, भद्दी शब्दावली वरती गई, इत्थों तक कि उन्हां नूं बहुत बुरा भला बोलिया गया। परंतु इस चीज़ बारे असी अंदर दफ्तर च बैठे DSP साहब नूं दसी गल तो उन्होंने साडे सरपंच नूं कहा शांत रहो कोई गल नहीं, बस इन्ना ही कह के टाल दिता।
जिस दी असी दरखास्त 10 अप्रैल 2023 नूं दित्ती SSP साहब दे, परंतु हजे तक उस दरखास्त दे संबंध विच कोई कार्रवाई नहीं हुई। झूठा परचा दर्ज करिया गया सी साडे ते, मेरा भरा ही है सका आम पार्टी का, असीं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं अपील करदे आ कि साडे पिंड दे विच माहौल खराब कर रहे ने, नजायज़ परचे कर करके मेरे ते मेरे बेटे ते एक मुंडे ते होर नजायज़ परचा होया, हाई कोर्ट चों असीं कैंसल करवाया। उस तो बाद एक NRI आ मालविंदर सिंह इहदे नाल रलिया होया, हुण भी उह सानूं परची दीआं धमकीआं दिंदीआं ने। जे पंचायत नूं 3 वार लैके मैं मंत्री साहब दे पेश होया, पूरी पंचायत लैके, उत्थे साडी कोई सुनवाई नहीं हुई। कह दिंदे सी कोई नहीं उहदा कम करांगे, कोई साडा ना पिंड आ के इनकुआरी करी ना किते सानूं दुबारे। 7 वार मैं कल्ला जाया इस चीज़ दे विच, मेरा बाप मेरी टेंशन ले गया सीगा, उहदी डैथ हो चुकी आ, भी असीं कहिंदे वी होर ना कोई नुकसान होवे पिंड दे विच, कि साडी मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पीस लास्ट बन के कि साडे बच्चियां दे परचियां तों इह चीज़ां तों बचाया जावे। हुण उल्टा पंचायत दे गल पैंदे ने वी तुसीं इहदे नाल क्यों जांदे हो। मैं यही अपील करदा संदीप पाठक जी नूं वी, उह वी पंजाब दे सीनियर लीडर ने, साडी हत्थ बन के बेनती आ वी इह कम तों बचाया जावे। ठीक है, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲੀਆਂ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਪੂਰੀ ਹੈ। 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੰਦ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ।